पानी पीछे। अरे अम्मा आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे परिंदों को जब नए नए पर उगते हैं तो वो कहाँ लंबी उड़ान भर पाते हैं। पकड़ी जाएगी मुस्कान। हाँ लेकिन उसकी वो पागल माँ आरती कहाँ गई? अगर आरती नहीं मिली तो उस मुस्कान के पर पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। अम्मा ये दोनों माँ बेटी एक ही डोर से बंधे हुए हैं। आप एक को खींचेंगी तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। और अम्मा मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुस्कान और आरती दोनों ने मिलके प्लान बनाया होगा भागने का। अब देखना ये दोनों माँ बेटी एक ही जगह मिलेंगी। मिलेगी कैसे नहीं, जरूर मिलेगी। हमने अपने पंजे जो फैला रखे हैं चारों तरफ, एकदम चालाकी नहीं। पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो। उधर देखो, उधर आप उधर देखो। अब मैं और कोई चालाकी नहीं चलेगी। मैंने गुंडों से पिटवाया, अब पुलिस से ठक होगी। पंचिंग बैग है तुम्हारे। एकदम चुप, सारा पलवी जी की नानी ना रसेगी। थोड़ गए यहीं पर। चलो नीचे चल के देखते हैं, यहीं होंगे वो लड़का लड़की। जी मुसीबत में फंस गए। अब इस भक्त को ही कुछ करना पड़ेगा अपने भगवान के लिए। पकड़ने मोड़नी आए थे, ये हाथी कहां से आ गया? सर, आप भी निकल लो यहाँ से सर। ऐसे भी मोरनी इस जंगल में डांस थोड़ी करने आएगी, और ऐसे भी डरावने जंगल में कौन भला आएगा। चलो निकलो यहाँ से। वाह मेरे चीते, वाह क्या चिंगाड़े निकाले हो हाथी की तरह। सरदार खुश हुआ। कहाँ भाग रही हो? हमेशा बना के निकल जाओगी। गधे हैं क्या? ठोक देंगे। एकदम चुप। चल बे, चलो। गधे हो तुम सबके सब। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पुलिस में किसने भर्ती कर दिया तुम लोगों को? आवाज सुनी थी तो रुक क्यों नहीं गए वहां पर? सर जी मैं देखता हूँ, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कसर छोड़ना भी मत, नहीं तो तुम सबको जिंदगी छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी सोने की चिड़िया लेकर भाग गए हैं वो लोग, उन्हें तो उसे किसी कीमत पर वापस करना ही पड़ेगा। सो मेरे बच्चे, सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना मेरी बेटी। मम्मी मम्मी, ये आंटी कौन है? मुसो, बेटा आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं आपकी मम्मा हूँ। आ जाओ। तो क्या है ना दीदी, कई सालों बाद आपसे मिली है, वो भी तब जब नींद से उठी है, इसलिए शायद पहचान नहीं रही। आप जाइए, मैं इसे तैयार करके लाती हूँ। बेटा आपको पता है ये कौन है? ये आपकी मम्मी की बड़ी बहन है, यानी कि आपकी मासी। अच्छा तो ये मासी है, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? आप कहते हो ना कि आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो ये आपके साथ खेलने आई है। ओके मम्मी। अच्छा बेटा आप हमारी एक बात मानोगी? आप ना उन्हें ना मम्मा ही कहना, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो आप मम्मी और वो मम्मा। हाँ ठीक है। अच्छा चलो अब जल्दी से नहा लो, फिर मासी के साथ खेलना। ओके भैया जी, हम आपको फिर कह रहे हैं, एक बार समझ लीजिए, ना कीजिए इस बार अपनी मनमानी। लड़की के चक्कर में पड़ेगी हमें गोली खाने। हर बार किस्मत साथ नहीं देती और ना ही भगवान जी। चल दीजिए वापस। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से निकलने की हिम्मत कैसे की तुमने? तुम्हारा ही गलती सोचना ही मत, वरना अगर हमने गलत सोच लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कह रहे आखिरी बात हमसे। भैया जी भागने के लिए पैर चाहिए होते हैं, तो हमने इसका मुँह क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें बहुत दया आ रही है, तो तुम्हारा मुंह बंद कर दे। भैया जी प्लीज, दम घुट रहा होगा उसका। मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे वापस घर जाना है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज आपको एक बात समझ में नहीं आती, मेरी मम्मा है उनके पास, मेरी मम्मा को कुछ कर देंगे वो लोग और मेरी मम्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज जाने दीजिए मुझे। हैं? मम्मा के अलावा कोई नहीं है? तो नानी क्या वो भूतनी है? पर कौन सा घर? कोठा है वो, नानी ने अपनी नातिन को बिठा रखा है, उसका मोल भाव कर रही है। वहां ममता का कोई मोल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हारा मोल भाव करने के बाद? माँ के बारे में कुछ मत बोलना, कुछ गलत मत बोलना, अच्छा नहीं होगा। अरे बाबा, इसमें हमने इतनी क्या गलत बात कह दी? हाँ माँ होती है, चाहे कोई जानवर की माँ हो, एक आम इंसान की माँ हो, या फिर एक नाचने वाली की माँ, पर माँ को सिर्फ ममता आती है, मोल भाव नहीं। और तुम जैसों को माँ की ममता पर हंसना। अब एक नाचने वाली हमें माँ उसकी ममता के बारे में समझाएगी। देख लो क्या दिन आ गए। देखो मैं कौन होती हूँ आपको कुछ समझाने वाली? आप तो शायद ये भी भूल रहे हो कि आपको भी एक माँ ने जन्म दिया था, और शायद आज तक आप माँ का प्यार समझे ही नहीं।